कुशाद यादव लीन है और उनके आसपास जो लोग हैं वो भी उनके साथ भजन गा रहे हैं। प्रताप यादव राजनीति के साथ साथ धर्म में बड़ी ज्यादा रुचि लेते हैं और वो भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। लगातार वृंदावन से लेकर के जब वो अपने आवास पे भी होते हैं तो भी वो कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। कई सारी तस्वीरें आपने उनकी देखी होगी। लेकिन अब राजनीति के सबसे बड़े चेहरे राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी प्रसाद यादव की तस्वीर आई है कि वो अपने घर में है और जो समझिए कि एक पूजा की जो पद्धति होती है और भगवान के प्रति जो आस्था होती है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को आगे लाते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आई है कि वो चुपचाप जो उनके लोग हैं, उनके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं या उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ वो बैठ करके कृष्ण भक्ति में लीन है और उन्होंने धोती भी उसी कलर का पहना है और वहां पर भजन कीर्तन जो है वो हो रहा है और बहुत मस्ती में। एक तरह से समझिए कि जब आदमी अपने भगवान को, अपने खुदा को याद करता है और पूरी दुनिया से बेखबर हो जाता है, उसी तरह की तस्वीर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव की सामने आई है कि वो अपने घर में है और वहां पर जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ वो कृष्ण की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी थी और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में और खासतौर से यूपी, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पर कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा की जाती है, बड़ी आस्था है। और राजनीति में खासतौर से कृष्ण भगवान को भी लोग सामने रख करके ये कहते हैं कि इनकी जो मर्यादा, इनका जो साहस था, इनका जो प्यार था, मेल मोहब्बत थी, उनको लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखिए वो किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं और कृष्ण की लीला अपरंपार है और उनकी जो भक्ति है उसको वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही मस्त मगन, यानी पूरी दुनिया से बेखबर होकर के कोई राजनेता भी अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से धर्म पर चलता है। और वो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसका दिखावा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन एक तस्वीर उनकी बड़ी दिलचस्प आई है कि वो भगवान की भक्ति में लीन है और वहां पर एक तरह से समझिए कि कृष्ण भगवान को याद करते हुए अपनी अपनी कामनाएं जो है भगवान के सामने रख रहे हैं।